हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हेल्थ इज वेल्थ पर। जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो उसके लिए वो एहसास बहुत ही ज्यादा खास होता है यदि वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है तो। और उसी के साथ साथ जब वो पहली बार नई नई माँ बनती है तब भी उसे काफी ज्यादा नई चीजों का अनुभव होता है। वो कौन सी नई चीजें होती है जो पहली बार किसी महिला के जीवन में घटित होती है जब वो पहली बार माँ बनती है, आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो के द्वारा। टिप नंबर वन, जब भी आप पहली बार नई नई माँ बनती हैं तो आपको काफी सारी नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। जैसे कि बच्चे को होल्ड करने के बारे में यदि आपको पता नहीं है तो आपको वो शिक्षा मिलती है। बच्चे को डायपर कैसे पहनाना है ये शिक्षा भी मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चे को डायपर पहनाना भी कोई शिक्षा है? नई माँ के लिए ये सारी चीजें एक शिक्षा और नया काम होता है जिसे सीखते वक्त वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होती है और कई बार जब ये तनाव बढ़ जाता है तो वो गुस्से में भी आ जाती है। टिप नंबर टू, आपके काम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ, जब भी आप पहली बार माँ बनती हैं तो वर्कलोड काफी ज्यादा होता है। अपने बच्चे को नहलाना, उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, खाना खिलाना, कपड़े चेंज करना, मसाज करना, या फिर अगर वो रोए तो उसे रोते हुए को शांत कराना, ये सारे काम आपके बिजी शेड्यूल को और भी ज्यादा बिजी कर सकते हैं। टिप नंबर थ्री, विवशता का एहसास होना। जी हाँ, कई बार नई माएँ जब बच्चों को संभाल नहीं पाती हैं और उन्हें शांत नहीं करा पाती हैं तो काफी ज्यादा असहाय और बेबस फील करती हैं, जिसकी वजह से या तो उन्हें परिवारजन की सहायता लेनी पड़ती है या फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। यदि आप भी अभी अभी नई माँ बनी है तो आपको इन चीजों से तनाव में आने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, अपने परिवारजन की मदद ले सकते हैं ताकि आप अपने नए नवजात शिशु को अच्छे तरीके से संभाल पाए और आपको भी अपने लिए थोड़ा बहुत समय मिल पाए। टिप नंबर फोर, जब भी आप नई नई माँ बनती हैं तो आपसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। कई बार होता है कि आपको अपने बच्चे को संभालना नहीं आ पाता है, कई बार आपको उनकी सही से मसाज करनी नहीं आती है और कई बार जब बच्चों के पेट में वात आ जाती है यानी कि बहुत ज्यादा पेट टाइट हो जाता है तब भी आपको ये नहीं पता होता है कि उस टाइम पर क्या करना चाहिए। इसीलिए नई माँ बनने के बाद आपको काफी ज्यादा गलतियाँ करने का मौका मिलता है, लेकिन इन गलतियों से ही आप सीख ले पाते हैं और आगे चल के अपने बच्चे की देखभाल और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। टिप नंबर फाइव, आपकी सारी प्राइवेसी खो जाती है। जी हाँ, जब भी आप नई नई माँ बनती हैं और एक नवजात शिशु को जन्म देती हैं तो उस वजह से आपके सारा एकांत एकदम से खो जाता है, जिस वजह से ना ही आप अपने आप को प्राथमिकता दे पाती हैं और ना ही सही तरीके से अपनी देखभाल कर पाती हैं, और इसी वजह से आप ना ही तो ब्यूटी पार्लर जा पाती हैं ना अपनी डाइट का ख्याल रख पाती हैं, क्योंकि आपके बच्चे को आपकी देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है। नंबर सिक्स, स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग की चुनौती। जी हाँ, ये भी चीज बहुत ज्यादा नई होती है नई माँ के लिए। अपने बच्चे को दूध पिलाने में उन्हें कभी कभी बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारे ब्रेस्ट बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं तो कई बार बहुत ज्यादा लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से महिला को काफी ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है और कई बार वो तनावग्रस्त भी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ ऐसी नई चीजें जो नई माँ को तब पता चलती हैं जब वो पहली बार माँ बनती है। इसीलिए यदि आप भी अभी प्रेग्नेंट हैं और किसी बेबी को जन्म देने वाली हैं तो ये सारी चीजें आपके साथ भी जरूर होंगी। इस वीडियो को देखिए, अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।